बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। 10th क्लास हमारा लास्ट यूनिट चल रहा था रिवीजन के लिए, रिवीजन फेस में, और आज हमारा लास्ट टॉपिक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिवीजन फेस आज मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और चलो नेक्स्ट आपका पेपर है, उस पेपर को भी अच्छे से आप लोगों ने बेटा क्या करना, प्रिपेयर करना। तो जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो बेटा हम करते हैं, ठीक है जी। अभी हमने करना है सॉल्वे प्रोसेस, सोडियम कार्बोनेट, इसको प्रिपेयर करना है। तो किससे बेटा? सॉल्वे प्रोसेस से। क्लास में भी हमने कई बार किया है, मैंने बहुत बार आप लोगों से टेस्टिंग भी की है, कई बार मैंने बताया तो बेटा ये इम्पोर्टेंट है, आएगा। और अभी भी मैं यही बात करूंगा कि बेटा इसको अच्छे से जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, इसको लर्निंग करनी है इसकी। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है बेटा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल और फिर इसकी प्रिपरेशन, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस बेटा करते हैं। अब प्रिंसिपल देखिए बेटा, ये देखो जो है ना, लो सोलबिलिटी होती है इसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एट लो टेम्परेचर होगा इसमें, तकरीबन टेम्परेचर जो है ना ये 15-16 डिग्री तक बेटा। और जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हम गुजारते हैं तो ये एक अमोनिकली सोल्यूशन बना लेता है, NaCl, जिसे हम कहते हैं अमोनिकल। और एक तरह अमोनिकली सोल्यूशन होता है NaCl, और फिर ये एक बना लेता है अमोनिकली ब्राइन NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको बेटा हम क्या करेंगे, जब रिएक्शन करवाते हैं सोडियम का कार्बोनेट के साथ, तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, हासिल होता है NaHCO3। अभी इसमें कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं। रॉ मटेरियल इसमें बेटा कौन कौन से होंगे? एक तो ब्राइन होता है, ये टेबल साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड से कहते हैं। दूसरा बेटा इसमें लाइमस्टोन होगा, चूने का पत्थर जिसे कहते हैं, CaCO3। और थर्ड बेटा जो इसमें होते हैं वो गैस होती है, अमोनिया गैस NH3। इसमें जो तीसरी भी थर्ड जो बेटा होती है वो क्या होगी, अमोनिया गैस होगी, जिसे हम कहते हैं शाहजेब, जो बेटा क्लास में भी एंटर हुए हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट पढ़ रहे हैं सॉल्वे प्रोसेस, पेज नंबर है बेटा 162, पेज नंबर 162 पर आ जाइएगा जी। अभी इसमें हमने इसका प्रिंसिपल का जिक्र किया है, और प्रिंसिपल के बाद फिर हमने बेटा इसके रॉ मटेरियल्स का, कि रॉ मटेरियल इसमें कौन कौन से होते हैं। सोडियम क्लोराइड होता है बेटा, इसके बाद इसमें बेटा अमोनिया गैस और चूने का पत्थर CaCO3, लाइमस्टोन जिसे आप लोग कहते हैं जी। इसमें बेटा क्या होते हैं, इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं। अब आगे इसके आ गई है बेसिक रिएक्शन, जब ये रिएक्ट करती है तो डिफरेंट बेटा प्रोडक्ट बनाते हैं जी। सबसे पहले हमने अमोनिकली ब्राइन बनाना है, जो हमने इसके प्रिंसिपल में सीखा है ना, कि अमोनिकली ब्राइन यानी NaCl। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमोनिकली ब्राइन इज प्रिपेयर डिजॉल्विंग अमोनिया गैस इन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब क्या करते हो, जब NaCl में जब NH3 को आप डिजॉल्व करोगे NH4Cl, ये आपके पास एक क्या आ जाता है, कंपाउंड आ जाता है, इसको हम कहते हैं ये अमोनिकली ब्राइन कहलाता है। क्या कहते हैं, पहले स्टेम में अमोनिकली ब्राइन बनाना है। अमोनिकली ब्राइन कैसे बनेगा, जब आप NaCl में टेबल साल्ट में
NH3 गैस को बेटा क्या करते हो, उसके साथ रिएक्ट करवाते हो, तो आपके पास NH4Cl ये बन जाता है। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, ये अमोनिकली ब्राइन कहलाता है। अभी सेकंड स्टेप, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकली ब्राइन। अमोनिकली ब्राइन इज फेड इन टू द कार्बोनेटिंग टावर। इसको हम कार्बोनेटिंग टावर से गुजारते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इस पास छोड़ो तो रिएक्शन इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया और वाटर, ये क्या बनाएगा, NH3SCO2 बना दिया बेटा, इसने कार्बोनेट बना दिया। अब इसी कार्बोनेट से फिर हम साल्ट गुजारेंगे बेटा, इसी कार्बोनेट से हम क्या करेंगे, साल्ट गुजारेंगे, तो ये हमारे पास NaCO3 और NH2Cl, NH3Cl आ जाएगा हमारे पास बेटा कंपाउंड, यानी जो हमारा मेन कंपाउंड है वो NHCO3, ये बेटा हमारे पर यहाँ पर क्या आएगा, प्रिपरेशन हो जाएगी सोडियम कार्बोनेट्स की। अब क्या कहते हैं बेटा, द टेम्परेचर ऑफ द लोअर एट 15 डिग्री, जैसे पीछे से बताया था कि इसके हमने जब प्रिंसिपल किया था कि एक तो ये 9 सालों होता है और बहुत कम टेम्परेचर पर जो है ना ये प्रिपेयर हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट पेज पर आइएगा 162 पर बच्चों। अभी 162 पर अब ये बेटा क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन PPT, यानी हमने इसकी फिल्ट्रेशन करनी है। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है बेटा, जो मिल्की सॉल्यूशन होता है ना कार्बोनेटिंग टावर में, उसको हम फिल्टर करते हैं तो हमें बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना हासिल होती है, और ये सोडियम जो बाइकार्बोनेट हमें हासिल होगी ना बच्चों, ये इस्तेमाल हो जाती है यहाँ पर इसमें बेकिंग सोडा में, जो बेकिंग सोडा होता है ना इसमें हो जाती है यूज, इसमें यूज बेटा इसको हम करते हैं। अब फिल्ट्रेशन के बाद बेटा कैल्सिनेशन होती है। अब कैल्सिनेशन में क्या होगा, कैल्सिनेशन ये प्रोसेस होता है कि आप सोडियम कार्बोनेट को जो है ना हीट करते हैं। जब आप सोडियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो ये आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट और इसके बाद आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, ये आपके पास बेटा आ जाते हैं। NaCO3 को हीट किया, Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ बेटा क्या आ गया, वाटर मॉलिक्यूल। अब ये हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन यूज करेंगे टावर में, ठीक है, तो दे यूज टू CO2 रिलेटेड इन दिस प्रोसेस। अब फिर बेटा आगे प्रिपरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है और स्ट्रेट लाइन। सेकंड लास्ट स्टेप में हमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक लाइन बच्चों बनाने है। तो क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन लाइमकिलन, देन इट इज कैरी टू कार्बोनेटिंग टावर। हम इसमें से बेटा हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गुजारना है तो यहाँ से हमें कैल्शियम ऑक्साइड और साथ वाटर मॉलिक्यूल मिल गया। अभी स्लेक लाइन नहीं बना, स्लेक लाइन भी हमने बनाना है, तो स्लेक लाइन बनाने के लिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको बेटा वाटर में से गुजारेंगे, उसको हम वाटर मॉलिक्यूल से गुजारेंगे, इसको हमने वाटर मॉलिक्यूल से गुजारेंगे तो ये बेटा हमारे पास क्या बनेगा, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसको कहते हैं बच्चों, और इसको हम कहते हैं ये स्लेक लाइम, ठीक है, इसी को बेटा हम कहते हैं ये स्लेक लाइम है, इसी को बेटा हम कहते हैं ये हमारे पास क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे चलते हैं लास्ट इसका, अमोनिकली रिकवर टावर। तो इसमें से क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो अमोनिया गैस है वो बेटा हमें हासिल होती है, अमोनिया इज रिकवर्ड इन दिस टावर फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्रोड्यूस इन द कार्बोनेटिंग टावर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म इन द लाइम किलन मेटल, तो NH4Cl CaOH2 बेटा हमने रिएक्ट करवाया, हमें बेटा NH3 गैस मिलेगी यहाँ पर,
कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और साथ बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। आन अमोनिया इज रिकवर इन दिस टावर, ठीक है, जितनी भी अमोनिया होती है बेटा वो क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है एंड रीयूज इन द प्रोसेस, इसको हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर मेनर लॉस ऑफ अमोनिया इन द प्रोसेस विच आर कंपेंसेटेड बाई यूजिंग सम फ्रेश अमोनिया, इसको सब जो फ्रेश अमोनिया है उसके साथ बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। नीचे बेटा इसका फ्लोशीट डायग्राम आ गया सॉल्व प्रोसेस को, ये भी साथ साथ करना है, ठीक है। यानी हमने अमोनिया टावर से शुरू किया था, अमोनिकल ब्राइन बनाया, फिर अमोनिकल ब्राइन से हमने कार्बोरेटिंग टावर में गए थे, वहां से बेटा दो चीजें हमने बनाई है NH4Cl और NaCO3, आगे फर्दर फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसके बाद बेटा कार्बन डाइऑक्साइड से फिर हमने बनाया था लाइम किलिन, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, और लास्ट पे बेटा ये किसमें कवर हो गया था, अमोनिया रिकवर टावर में। ये बेटा यही तक शामिल था, इसमें जो है ना इसकी एडवांटेजेस नहीं शामिल थी। तो ये सॉल्व प्रोसेस, अभी नेक्स्ट पेज पर आइएगा 164 बच्चों, यूरिया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। अब ये क्वेश्चन भी इसमें इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया पूछता है फ्लोशीट डायग्राम के साथ। अब यूरिया बेटा नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है, इसमें आपके पास नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इसमें एलिमेंट होता है ना, जो मेजॉरिटी पार्ट होता है बेटा, वो नाइट्रोजन को होता है यूरिया के अंदर। यूरिया में 46.6% जो है ना बेटा नाइट्रोजन होता है। अब इसको हम बेटा यूज कर लेते हैं प्लांट्स के लिए, बेहतर जो है ना सोइल्स के लिए, उसमें बेटा इसका यूज हो जाता है। तो अब इसके प्रिपरेशन करते हैं इसकी, सबसे पहले इसमें रॉ मटेरियल बेटा दो तरह के होते हैं, एक अमोनिया होता है NH3 और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब अमोनिया हमने प्रिपेयर करना है हाबर प्रोसेस से। अब हाबर प्रोसेस क्या था बेटा, हाबर प्रोसेस ये होता है कि 1 मोल आप आपके पास नाइट्रोजन होती है और 3 मोल आपके पास हाइड्रोजन होती है, 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन के साथ केमिकल रिएक्ट करवाते हैं, 450 टेम्परेचर होता है बच्चों, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये बेटा क्या बन जाता है, NH3 बन जाएगा, 2NH3, ठीक है। अब इसके प्रोसेस कि कितने प्रोसेस से होकर बेटा ये प्रोसेस जो है ना रिएक्शन कंप्लीट होता है। जी बेटा, सबसे पहले रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो पहला बेटा रिएक्शन है वो हम क्या करते हैं, NH3 और CO2 को आपस में कंबाइन करते हैं, ये अमोनियम कार्बोनेट बना देते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में बेटा क्या होगा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन होंगे, ये NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बेटा अमोनियम कार्बोनेट आयन बनाते हैं। अब इसी अमोनियम कार्बोनेट को हम दोबारा से हीट कर देते हैं, ये बेटा चेंज हो जाता है यूरिया के अंदर और वाटर मॉलिक्यूल में। सेकंड स्टैंड में कहता है यूरिया फॉर्मेशन। जी बेटा, मैंने अमोनिया कार्बोनेट इज इवेपोरेटेड विद हेल्प ऑफ स्टीम, हीट के जरिए, ठीक है बेटा, स्टीम के जरिए बेटा इसको हीट करेंगे तो ये हमें यूरिया हासिल होगा, NH2CO, NH2 और साथ वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारे पास आ गया बेटा गर्नेशन ऑफ यूरिया, यूवर को गर्नेशन टावर से गुजारा जाता है, जहाँ पर ये हमारे पास बेटा वाइट सॉलिड कलर के जो है ना सबस्टांस में हासिल होते हैं। एट दिस स्टेज लिक्विड यूरिया इवेपोरेटेड फ्रॉम ग्रैनुल्स, लिक्विड यूरिया इज सेपरेट फ्रॉम द टावर ऑफ टॉप ऑफ द टावर अंडर द प्रेशर एंड हॉट करंट एयर
is introduced from the base, it evaporates from kernels. This is stored away. Marketing को हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं फिर मार्केटिंग के लिए. इसी तरह बेटा फिर आगे इसका फ्लोशीट डायग्राम आ गया. ठीक है, पहले हमने क्या किया, इसको रिएक्शन चैम्बर अमोनिया गैस बनाई है. अमोनिया गैस हमने इसके प्रोसेस से बनाई है, हार्बर प्रोसेस से. ठीक है, उसके बाद इसको रिएक्शन चैम्बर से गुजारा, फिर इसमें वेपोरेशन हुई, जनरेशन हुई है बेटा. जनरेटर्स के बाद इसको हमने क्या किया है, स्टोरेज कर लिया. ठीक है, उसके बाद ये फिर क्या हो गई है, स्टोरेज. इम्पोर्टेंस, ठीक है, इसकी बेटा इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए बेटा ये एग्रीकल्चर में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा. एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ना ये बहुत यूज होता है. फर्टिलाइजर एनिमल फीड में यूज होता है इसको बेटा. हम इसमें जो है ना बेटा 90% यूरिया यूज एज फर्टिलाइजर, ज़्यादा हम इसको बेटा फर्टिलाइजर में यूज करते हैं. और इसमें सबसे ज़्यादा वही क्वांटिटी जो होती है बेटा ये किसी की होती है 9000 की होती है. और ये बेटा जितने भी ये जर्म होते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड होते हैं, उनको किल करने के लिए बेटा इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. और ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड सॉइल्स के अंदर इसका ये फायदा है कि ये बेटा ये नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन एक्सप्लोजिव होता है, इसको स्टोर कर सकते हैं आसानी से. लेकिन ये वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए हमने ऐसी जगह पे स्टोर करना है, इसकी पैकिंग ऐसी करनी है जहाँ पर बेटा वाटर पानी का क्या हो, आसानी से ना पहुँच सकता हो बेटा. इसी तरह सेकंड बेटा कहता है कि यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. इसमें बेटा बहुत सारे रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है, मैनी वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है बेटा. इसमें used to make explosives. इसको बेटा explosive जो है ना अशिया होती है, इनमें बनाने के लिए यूज किया जाता है. इट यूज टू ऑटोमोबाइल सिस्टम NHO नाइट्रोजन से जो कंपाउंड होते हैं बेटा वहाँ से यूज किया जाता है एग्जॉस्टर्स ऑफ गैसेस के लिए. अब पाकिस्तान में बता रहा है कि 6 जो है ना मैन्युफैक्चरिंग यूरिया यूनिट्स है और जो मेजर है वो 4 है. कौन कौन से बेटा बताता है, फजी फर्टिलाइजर कंपनी, एग्रोकेमिकल्स, फौजी फर्टिलाइजर, बिन कासिम एंड दाऊद और कोलिस कंपनी, फौजी फर्टिलाइजर. अब फौजी फर्टिलाइजर इज द बिगेस्ट फर्टिलाइजर कंपनी विद 59% मार्केट शेयर. इन सब कंपनियों में से जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो किसके बेटा, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के. तो ये बेटा यहाँ तक हमारे मुकम्मल हो चुका है टॉपिक, और यहीं तक बेटा हमारी रिविजन थी. तो रिवीजन हमारी बेटा मुकम्मल हो चुकी है. रिवीजन पेज भी हमारा चला था अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम मुकम्मल कर चुके हैं उसको. तो आप लोग भी बेटा, जैसे मंडे को पेपर है आप लोगों का, ये केमिस्ट्री का, इसको अच्छे से तैयार करें. जो भी एमसीक्यू सर ने बोले हुए दरमियान से पढ़े चीज़ों को, बहुत सारे एमसीक्यू दरमियान से भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है. और मैंने भी बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों के दरमियान से बनाए हुए, चैप्टर के दरमियान से. तो पूरी बुक को बेटा अच्छे से थारोली पढ़े, गौर से डीपली, जहाँ पर कोई एमसीक्यू बनता है उसको अंडरलाइन करें, निशान लगाएं बेटा उसको, ठीक है. इंशाल्लाह फिर जब ये स्कूल ईद के बाद ओपन होंगे फिर आप लोगों का ऑन द कैंपस पेपर होगा, तो तब तक जो है ना बेटा क्या करें इसको तैयार करें. जी तो अयान अली और शाहजीब बेटा, अगर आप दोनों का कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो बेटा मुझे वो बताइएगा. जी बेटा हैंड रेज करें अगर कोई क्वेश्चन है, अगर फिर आप लोगों की नेक्स्ट क्लास का टाइम है. चलो ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.